好可怜。Guys, welcome back to my channel. So, guys, today's video about Meesho Jewelry Haul. My first Meesho Jewelry Haul. So, guys, मैं one by one आपके साथ सारी ज्वेलरी सेट शेयर कर लूंगी. Guys, अगर आपने मेरा ये वीडियो रैंडमली देखा है सो प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और चलिए स्टार्ट करते हैं कि मैंने क्या क्या परचेस किया है. मैं वन बाई वन आपको शो कर दूंगी. और गाइज मैंने इसका जो ट्राई एंड हॉल पार्ट है वो अलग से शूट कर लिया था पहले, क्योंकि अगर मैं वीडियो के बीच में आपको ट्राई कर दिखाती ज्वेलरी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने इसको पहले ही शूट कर लिया था. और मैं यहाँ स्क्रीन पर कहीं भी इंसर्ट कर दूंगी ट्राई एंड हॉल पार्ट, तो आप देख सकते हैं कि ज्वेलरी कैसी लग रही थी. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं. सो आई एम गोइंग टू शो यू माई फर्स्ट ज्वेलरी सेट. इट्स अ वेरी प्रिटी ज्वेलरी सेट गाइस, आप देखिए इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड प्रिटी पीस. का हॉल यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया था ये. और गाइस ये जो इन्होंने यहाँ पे ये जो दिया है इसका पेंडेंट मेटल का है, बाकी ये सारा मेटल का नहीं है. ये इन्होंने शायद से कुछ आई डोंट नो ये क्या है, बट ये मेटल नहीं है और ये मेटल का है. और बहुत ही अच्छा सेट इन्होंने दिया है, पूरा सेट ही बहुत अच्छा है, कोई भी मतलब कमी नहीं है सेट में. बहुत मतलब इस प्राइस में अगर आपको पूरा सेट मिल रहा है जिसमें आपको ब्रेसलेट प्लस इयररिंग का पेयर नेक पीस मिल रहा है, तो मैं कहूँगी कि अगर आपको इस रेंज में पूरा सेट मिल रहा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतने में तो इयररिंग ही नहीं आते हैं आजकल. सो गाइस ये इस तरीके का इन्होंने ब्रेसलेट दिया, आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये. और इसमें ये घुंगरू जैसा ये बज रहा है, तो काफ़ी अच्छा ये मुझे लगा इसका ये ब्रेसलेट. और ट्राई एंड हॉल पार्ट में भी मैं शो कर दूंगी गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, बहुत 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 प्रिटी लगा मुझे ये सेट. और अफोर्डेबल भी है, मतलब 300 से कम में ही है, ये 300 का भी नहीं है. सो गाइस आप देख सकते, जो भी सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनके जो कोड्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. और गाइस मैं जो भी ज्वेलरी पीस आपको शो कर रही हूँ उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड रिंग दे दूंगी. सो गाइस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस नंबर से ही उसका कोड देख सकते हैं और उस कोड से आप उसको परचेस कर सकते हैं. सो गाइस मैं यहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट मेंशन करूंगी सो उसको 1, 2, 3 ऐसे करके नंबर दे दूंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हैं. और ये मेरा फर्स्ट पीस था, आपने देख लिया होगा कैसा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी लगा मुझे, और इस प्राइस में इतना अच्छा सेट हमें मिल रहा है तो बहुत अच्छी डील है ये, आप ले सकते हैं. और काफ़ी अच्छे से पैकेजिंग में आया था, आप देख सकते हैं ये ऐसे इस तरीके की पैकेजिंग मीशो से अधिकतर जो ज्वेलरी आती है वो इस तरीके की पैकेजिंग में ही आती है. सो जिससे कि हमको अपने ज्वेलरी को स्टोर करने के लिए या रखने के लिए अलग से ज्वेलरी बॉक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, वो हर ज्वेलरी के साथ या इयररिंग हो या कुछ भी हो उसके साथ वो बॉक्स प्रोवाइड कराते हैं, तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है. और इस प्राइस में आपको पूरा सेट प्लस ज्वेलरी बॉक्स भी मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, आप ले सकते हैं. चलिए सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय सेकंड पेयर ऑफ इयररिंग. सो गाइस ये कुछ इस तरीके का मुझे रिसीव हुआ है, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है. आप ट्राई एंड हॉल पार्ट में देख लीजिएगा, बहुत अच्छा, बहुत ही प्रिटी है. और इसका भी प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में है, क्योंकि हम मार्केट से जब लेने जाते हैं तो इससे भी ज़्यादा महंगे और कॉस्टली हमको इयररिंग मिलते हैं. सो गाइस इस प्राइस में ये इयररिंग काफ़ी सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, बहुत प्रिटी हैं, बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं. सो गाइस ये मेरा नेक्स्ट जो पिक था वो ये वाले इयररिंग थे, और इसको मैं सेकेंड नंबर दूंगी, सो आप चेकआउट कर लीजिएगा. और गाइस ये मैं नंबरिंग तो मैं दे दूंगी बीच बीच में, सो मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझ जाइएगा कि मैंने किस तरीके से नंबरिंग की है. एंड गाइस नेक्स्ट जो मैंने पिक किया है वो है कुछ इस तरीके का. और गाइस वो ये भी काफ़ी सुंदर मुझे रिसीव हुआ है, जैसा दिख रहा था पिक्चर में सेम वैसा है, क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी इन्होंने प्रोवाइड की है, और प्राइस भी अफोर्डेबल है. और जो जिस कोड से मैं दूँ आप उससे परचेस कर लीजिएगा, और नहीं तो फिर आपको जहाँ से भी करना हो कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. और गाइस इस मैंने इसका ट्राई एंड हॉल पार्ट भी लगा दिया है, आप देख लीजिए, और बहुत ही अच्छा मुझे ये सेट मिला है, जैसा ये पिक्चर में दिख रहा था सेम वैसा है. आपने देखा होगा कई बार मीशो पर, नहीं देखा तो कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, इंस्टाग्राम स्टोर या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह बहुत सारी वेबसाइट्स पर ये वाला सेट अवेलेबल है. और ये काफ़ी प्रिटी लगता है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया. और
इसका प्राइस भी अफोर्डेबल रेंज में ही है, इतना कॉस्टली नहीं है ये। और अगर आप शादी फेस्टिव लुक के लिए, काफ़ी अच्छे लगते हैं ऐसे, मतलब गर्लिश लुक देते हैं। और इसमें इन्होंने ये सारा मिरर वर्क किया हुआ है बहुत अच्छी तरीके से, ये इसमें लटक रहा है। और ये इन्होंने टाई अप करने के लिए इसको ये का नॉट टाइप का दिया हुआ है, सो आप इससे इसको ईजीली कैरी कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे, और ये फेस्टिव लुक्स के लिए ये सारे, अभी वैसे भी शादियों के सीज़न या फिर कोई भी फेस्टिव सीज़न आता है तो इस तरीके की ज्वेलरी जब हम वेयर करते हैं तो काफ़ी एलिगेंट लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। सो गाइस, मैं वन बाय वन आपको सारे पीस दिखा देती हूँ, आपको जो भी पसंद आए तो आप ले लीजिएगा। और मैं उनकी क्वालिटी वगैरह भी आपको दिखा देती हूँ कैसी आई है। बहुत अच्छी क्वालिटी में इसके इयररिंग ये मुझे रिसीव हुए हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे इयररिंग है, कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जैसा पिक्चर में दिख रहा था सेम वैसा ही है, कोई भी मतलब ऐसे चीप क्वालिटी नहीं लग रही है। और गाइस, आप इसको साड़ी, सूट और टॉप जिस चाय के साथ उसको वेयर कर सकते हैं, सबके साथ अच्छा लगेगा। और मैं कहूँगी कि अगर आप इस तरीके का कोई सेट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माय नेक्स्ट ज्वेलरी सेट। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में है, ये इन्होंने बॉक्स में नहीं दिया है, बट गाइस मैं कहूँगी ये इतना प्रिटी है, इतना प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी है, मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली बहुत ज़्यादा। और अगर हमें कई बार बहुत डीप नेक होते हैं उस पर हमको कुछ हैवी ज्वेलरी कैरी करनी होती है, सो गाइस ये इस तरीके की ज्वेलरी में आप इन, ये अभी थोड़ा सा ये मैसी हो गया है बट इसका जो पिक्चर है मैंने इंसर्ट किया हुआ है तो आप देख सकते, आप सही है ये इस तरीके का है, और इसका जो पिक्चर है मैंने लगाया हुआ है तो आप देख सकते हैं। और गाइस, वो जो इसका ट्रायन हॉल पार्ट भी मैंने लगाया हुआ है, आप देख लीजिएगा, अच्छा है ये भी सेट और अफोर्डेबल रेंज में है। सो गाइस, मैं कहूँगी कि अगर आप इस तरीके के सेट वगैरह लेना चाहते हैं, इसकी ये इयररिंग भी काफ़ी अच्छे हैं और इनकी लेंथ भी, और गाइस काफ़ी लाइट वेटेड ज्वेलरी है, ये कोई हैवी ज्वेलरी नहीं है, और मुझे अच्छी लगी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, बहुत ही प्रिटी है, और इस तरीके के जो सेट्स हैं ये हमारे वार्डरोब में होने ही चाहिए, हमारे कलेक्शन में होना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों पर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम इसको ट्रेडिशनल टाइप में ही पहन सकते हैं, इसको वेस्टर्न वेयर काइंड ऑफ भी हम पहन सकते हैं। सो गाइस, बहुत अच्छी ज्वेलरीज ये मुझे रिसीव हुई हैं। और नेक्स्ट अप आई हैव दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स, सो गाइस ये इस तरीके के मुझे रिसीव हुए हैं और सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में यही है, इस पूरे हॉल पार्ट में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है और बहुत ही एलिगेंट लग रहे हैं और हटके हैं। गाइस, कई बार क्या होता है, मार्केट में भी बहुत अच्छी ज्वेलरी अवेलेबल होती है बट हमको सारे डिज़ाइन अवेलेबल नहीं होते, कई बार हमको जो चाहिए होता है वो नहीं मिलता है मार्केट में। सो गाइस, इस तरीके के कई इस तरीके के अगर आपको इयररिंग लेने हों सो मीशो पर अवेलेबल है और अफोर्डेबल रेंज में भी है, इतने ही का हम मार्केट से भी लेते हैं। सो अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा ये पेयर ऑफ इयररिंग है, मैं इसको भी रिकमेंड करूँगी आपको, आपको लेना हो तो ले लीजिएगा। और हॉल पार्ट तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने हॉल शेयर किया हुआ है, सो गाइस आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट अप आई हैव दिस काइंड ऑफ इयररिंग्स, सो गाइस ये मैंने ये वाले पिक किए हैं, ये इस तरीके का, ये इसमें घुंघरू भी लगे हुए हैं और गाइस काफ़ी अच्छे हैं ये, मुझे बहुत पसंद आए पर्सनली और काफ़ी अच्छे लगे मुझे ये। मैंने एक अपनी वीडियो में भी शायद इसको पहना हुआ है क्योंकि मैं, मुझे ये बहुत पहले रिसीव हो गए थे और ये मैं वीडियो अभी बना रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला ये वीडियो शूट करने का, बट मैंने एक वीडियो में इसको पहना हुआ है, आपने देखा होगा। सो गाइस, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये, बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं मुझे। और पास से भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन इन्होंने बनाया हुआ है इस पर। सो गाइस, मैं कहूँगी कि अगर आपको लेना हो तो ले लीजिएगा। और नेक्स्ट अप आई हैव गाइस, इस वाले इयररिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम है मुझे, मतलब जो मैंने अब जो मैं दिखा रही हूँ आपको, पिक्चर आप देख लीजिएगा साइड में, मैं लगा देती हूँ। सो पिक्चर आप साइड में देखते जाइएगा, और काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा था पिक्चर में बट ये मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, ये इन्होंने अलग से ये दिया है और ये दिया है इसको खुद अटैच करके, और फिर मैंने पहना हुआ है उसमें, आप देख सकते हैं ये इस तरीके का इन्होंने दिया और ये इयररिंग दिया, ये इसका ये इसमें अटैच करने के लिए दिया है। सो गाइस, मैंने ट्राय एंड हॉल पार्ट में पहना हुआ है, आप देख लीजिए, मैं शो कर रही हूँ सो आप देख लीजिए। गाइस अच्छा तो है ये बट लाइट वेटेड नहीं है, ऐसा लगता है कानों में कुछ बहुत ज़्यादा वज़न हमने ले लिया हो, सो इसमें ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी सारे सेट्स मुझे, सारी इयररिंग और सारे ज्वेलरी सेट मुझे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत पसंद आए और काफ़ी यूनिक लगे। और सो गाइस, मैंने सारी सिल्वर ज्वेलरी परचेज की है और मुझे सारी पसंद आए, बस ये इयररिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है कि जो इसका जो वेट है थोड़ा सा ज़्यादा ही वेट इसका दिया है इन्होंने, बट मुझे थोड़ा सा
कम भी पसंद आया था ये, और कानों में ऐसा लगता है जैसे इतना ज़्यादा वज़न हमने लटका लिया हो कि पता नहीं क्या। सो गाइस इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, अगर आपको पसंद आए और आप वेट कैरी कर सकते हो सो ले लीजिएगा। गाइस दैट्स इट, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, पास में दिए गए बेल बटन पर भी क्लिक कर लीजिएगा जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको शो हो जाएगा। सो गाइस मैं इसी तरीके के हॉल वीडियो शेयर करती रहती हूँ अपने चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा है मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।